देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या बोला था, 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कटिहार में सिद्धू ने बोला था, सोनिया गांधी जी ने जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवाई थी, और राहुल गांधी ने तो बंद कमरे में कहा था कि हम एक मुस्लिमों की पार्टी है, इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या केवल इतनी है, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, इंकिलाब के इंटरव्यू में कहा था, आप चेक कर लीजिए। और बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए, बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर लिए क्या? राहुल गांधी पार्टी ज्वाइन का नारा किसका है? तो समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिला था, बाकी 80 हमने अपने तरफ मांगे, और 20% वोट समाजवादी पार्टी को बोला कि दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक एक करके, एक कर, मैं आपको बताता हूं कि ये कल्चर कह रहा है, ये चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का पता है मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, मतलब और कुछ ना समझे, कैप पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इनसे केवल एक दो सवाल पूछ लेता हूं, मैं केवल एक दो चीज बता देता हूं। भाई विवेक जी, आप मुगलों का रूल आने जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने जा रही है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुओं का क्या होने जा रहा है, क्या तरीका है? हिंदू इकट्ठा हो, ये है इनका एजेंडा। अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। कह रहे कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा, जमीर खान नहीं कर रही है सब कुछ। देखिए ऐसा है, पहले तो जमीर खान वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, और ये जाकर वो राजस्थान में कह रहा है कि जैसे कर्नाटक में हमने चुनाव जीता है तो खुलकर आकर कांग्रेस पार्टी बोल देना। इस वीडियो के एंड में आप पूरा वीडियो चलाएंगे तो उसमें कहता है, अरे रिकॉर्ड मत करना इसको, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वो हिस्सा भी इस वीडियो में, अगर कोई गलत बात नहीं थी तो खुले में आकर कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं करती कि हम मुसलमानों का वोट मांग रहे, और फिर जब चुनाव आते तो सीजनल हिंदू क्यों बन जाते। दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, ये तो नास्तिक की पार्टी है ना, एथियस्ट पार्टी है। अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ, बोलते ही हो तो आप क्या बोलते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हो, तो सांप्रदायिक नहीं है ना, तो सांप्रदायिक नहीं है। नहीं आप मैं देखिए, मैं तो केवल, हाँ तो मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग तो एथियस्ट पार्टी है, हम रिलीजन को ओपियम मानते हैं मासेस का। मुझे बताइए कि इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में करना ये जायज है, तो आरएसएस की शाखा टेंपल में लगने पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया केरला में? आरएसएस तो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगता है टेंपल में, परंतु इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में हो सकती है कैसे? जमीर को सुनिए, मुझे 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 शादाब की बात आ रहा है, शादाब शादाब मैं आऊंगा आपके पास, दीपक जी आ रहा हूं मैं, एक सेकंड देखिए, ये गलत है। शादाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूं। शादाब चौहान, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, शहजाद पूनावाला पे, जेपी नड्डा पे, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पे सारे आरोप की, देखिए बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ये कर्नाटक के मंत्री किसके नाम पर वोट मांग रहे थे? वो किसको एकजुट करने की बात कर रहे थे? वो इंडोर मीटिंग क्यों कर रहे थे? और क्यों क्यों कह रहे थे कि जो हमने कर्नाटक में करा है वो कर दो तुम राजस्थान के अंदर? और अगर सब कुछ सही था तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का। पहली बात तो यह है कि भारत की कोई भी राजनीतिक दल किसी भी नागरिक से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से वोट मांगता है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्यों मना किया उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए, वो बता दे। दूसरी चीज, वो मस्जिद में नहीं है, और अगर कोई बात कहता है कि मस्जिद से कांग्रेस के लिए वोट मांगा जाए, मैं उसको कंडम करता हूं। कांग्रेस नहीं, पूरी पूरी बात सुन लीजिए, शहजाद फिर बोल रहे हो आप, गलत बात है उनकी बात, आप ये नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है शहजाद, यही गलत बात है। मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, नहीं बोला ना, नहीं नहीं आप बोलिए, पूरा प्ले कर लो, हाँ तो पूरा प्ले करवाइए। स्वामी जी, अगर कोई मस्जिद से या मदरसे से ये चीज करता है कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को दो, हम उसको कंडम करते हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान से मांगो, हिंदू से मांगो, कि लेकिन धर्म के आधार पर वोट मांग, ये महाराज किस आधार पर मांग रहा है? अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए ना, नहीं नहीं पूरी, अच्छा नहीं पूरी पूरी बात सुन लीजिए। धर्म के आधार पर वोट मांगने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, लेकिन अब बीजेपी क्या बोल रही है? बोले हम करते हैं तो ये है, कांग्रेस कर रही है, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो मुसलमान के नाम पर मांगना चाहते हैं, लेकिन ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना इन्होंने हिंदुओं के लिए किया, दोनों ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किया। आज हर घंटे चार बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है पूरे देश में, आज अपराध होता है, रोजगार, प्रगति, किसान के मामले, हर मुद्दे पर सरकारें फेल रही। ये कहेंगे हमारी सरकार में कम बलात्कार होते हैं, कांग्रेस में जाते होते हैं, भैया होते तो हैं। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया दीपांकर जी, ये तो जमील खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि क्रोध में शायद मेरा संदेश उन तक ना पहुंच पाए, जो वो कर रहे हैं वो उन्होंने आज अपना एजेंडा बता दिया, हालांकि चल बहुत पहले से रहा है,
उन्होंने बता दिया, आपको पता लग गया, मगर अभी जब मैं बोल रहा लीक हो गया, पता नहीं लग गया, लीक हो गया, हाँ लीक हो गया कहा जा सकता है। अभी रशीदी जी कह रहे थे, बोले स्वामी दीपांकर की तो यात्रा ही समूची हिंदुओं को एक करने पे है, तो मेरी यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को, जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए है। और मुझे लगता है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समा दो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे जातिवाद समा, आप उनसे बड़े हैं क्या? बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहिए भाई, ऐसा कैसे संभव आप बोल रहे हैं भाई? आप बिल्कुल बेवजह कोई बात कहिए ही मत ना। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया, एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा? बॉर्डर पर नरसंहार हो गए, एक बार चिट्ठी लिखा? और जिन्हें जानते नहीं पहचानते नहीं उनके लिए, उस हमास के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं? शर्म नाम की चीज है। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के जो बच्चों के साथ हो रहा, बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कल हमास ने कितना बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, हमें इनकी, इनकी रक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीनियों की, हमास ये बात कह रहा। और ये यहां हमास के आतंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम आए, हम अगर आए तो भविष्य में आपका नाश कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ओके, जवाब, जवाब विवेक जी का, जवाब विवेक जी का जवाब होगा, कोई नहीं और बोलेगा। 40 सेकंड, पहली चीज, देयर ऑडियंस क्वेश्चन। मैं दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है इसको भी हटाइए, अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए, यह मेरी अपील है। भारत की बात करिए, आप संत हैं, मात्र सिर्फ हिंदू और एक समुदाय धर्म की बात मत करिए। यह देश